हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हरियाणा बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत इन दिनों खट्टर सरकार से नाराज हैं। उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने सीएम खट्टर के सामने ही प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप जड़ दिए। राव इंद्रजीत ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सरकार सांसदों की लोकसभा चुनाव में मदद करेगी। बात जब बाहर निकली तो सीएम खट्टर ने घर की बात घर में ही रखने की नसीहत दे डाली। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को बीजेपी सांसद की खरी खरी, खट्टर सरकार की कार्यशैली पर सवाल। सांसद राव इंद्रजीत ने भरी सभा में उठाया सवाल। सीएम खट्टर की बीजेपी सांसद को नसीहत, घर की बात है बंद कमरे में कहते तो अच्छा होता। अभी कल ही पीएम मोदी ने हरियाणा की खट्टर सरकार की तारीफ की थी और कल ही बीजेपी से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने खट्टर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया, गंभीर आरोप जड़ दिए, सरेआम भरी सभा में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उनके सामने मंच पर सीएम खट्टर समेत हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री मौजूद थे। केंद्र सरकार के 4 साल पूरा होने के जश्न में खलल तब पड़ गया जब राव इंद्रजीत ने तलखी भरे अंदाज में कह दिया कि मुझे उम्मीद नहीं कि ये सरकार सांसदों की लोकसभा चुनाव में मदद करेगी। राव इंद्रजीत यहीं नहीं रुके, उन्होंने गुरुग्राम में केंद्र के कार्यक्रमों में बुलाए नहीं जाने पर अपना विरोध भी दर्ज करा दिया। ये कहना पड़ रहा है कि मुझे आपसे कोई खास उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन के अंदर आपकी सरकार अरविंद की मदद करेगी। और जो उद्घाटन होना कही रहा चौक का मैं कभी कैसे कराया, सीता ही बात पर बताया है वो आप नहीं करती। मैं तो होकर के आ गया, आपने टाइम दिया था, मैं होकर के आ गया, आप नहीं पहुंचे। मेरे टेलीफोन कर देते, आपके डीसी हैं, आपके एसपी हैं, कोई तो खबर करे कि हम वहां खड़े रहे, केंद्र सरकार का कार्यक्रम हो, केंद्र सरकार पैसा लग रहा हो और हम धूम दबा करके चले जाए, तो ये तो हम नहीं करेंगे। विरोध की आवाज भरी सभा में ही उठी थी तो जवाब उसी सभा में ही देना वाजिब था। सीएम खट्टर ने नाराजगी पर सफाई दी, कहा कि वो बिना राग लपेट के सीधी बात दिल की बात रखने से राव इंद्रजीत के कायल हो गए हैं। लेकिन इस दौरान उनके जुबान से राव इंद्रजीत के लिए नसीहत भी निकली। राव के दिल की बात को घर की बात बता दिया गया और कह दिया गया कि अगर राव साहब बंद कमरे में कहते तो अच्छा होता। तो इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2019 नजदीक है, मिशन 2019 में एक एक सीट की अपनी ही कीमत है, ये बीजेपी जानती है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मानते हैं, पीएम मोदी भी जानते हैं। बीजेपी संगठन से लेकर मोदी सरकार के रणनीति में पार्टी में एकजुटता बनाए रखना जरूरी है ताकि उनकी जीत हो और विरोधियों को मात मिले। लेकिन हरियाणा के सीएम खट्टर और केंद्र के मंत्री की तू तू मैं तो कुछ और ही संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।